कलियंदर जैन बड़ा मंदिर के पदाधिकारियों के या किसी के निधन के कारण मंदिर बंद था, लिहाजा पूजन आदि करने गए श्रद्धालुओं को मंदिर बंद मिला तो इसकी शिकायत SDM से की गई। बोले केवल दिया रखना है, बस उतने देर के लिए मुझे आधा घंटा खुलवा दें। अब उनके लिए उनसे चर्चा किया तो वो बता रहे हैं कि हमारे घर में कोई गमी हो गया है, इस वजह से हम नहीं आ पा रहे हैं, और आप जो है सो कि इस मामले में समाज के मामले में आप क्यों बोल रहे हैं। तो लेकिन आपने ऊपर प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशासनिक अधिकारी को सूचना दी है, वो जो है सो इसमें लगे हुए हैं कार्य में, जैसा होगा वैसा कार्य। तो अभी क्या स्थिति है, ताला लगा है, बंद है क्या है? नहीं, अभी तो ताला लगा है गेट में, ये लोग पूजा बाहर से ही करके जा रहे हैं। तो क्या खुलवाया जाएगा जब तक जैसा स्थानीय उनसे चर्चा जारी है, जैसा होता है वैसा कार्य। सर, हमारा आपसे निवेदन है, 40 साल से भुगत रहे हैं। अरे यार, ये विदिशा नगर में किला अंदर बड़ा जैन मंदिर है। यह मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर के कुछ जैन धर्मावलंबियों ने मुझे एक ज्ञापन अभी दिया हुआ है। ये एक ट्रस्ट के अंतर्गत संचालित मंदिर होता है, जिससे संबंधित कुछ समस्याएं मुझे यहाँ पर माताओं बहनों ने और जैन धर्मावलंबियों ने बताई है। मैं ट्रस्टियों को बुला करके इन समस्याओं के संबंध में विचार विमर्श करके और इन समस्याओं को दूर करने के लिए एक बैठक आयोजित करूँगा। मेरा नाम सचिन जैन है। कल चूँकि दिवाली का पर्व था और हमारे घर की जितनी भी महिलाएँ हैं और सामाजिक जितने भी पुरुष वगैरह हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो शाम को यहाँ दीपक और आरती करने के लिए आए थे, लेकिन किसी कारणवश जो मधुचंद जी जो मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष, उन्होंने ऐसा बताया कि हमारे घर में गमी हो गई, इसलिए हम मंदिर का गेट नहीं खोलेंगे। इस संदर्भ में यहाँ की जितनी भी महिलाएँ हमारे यहाँ की, और जो भी कार्रवाई हो सकती है इसके लिए, और जब चारों तरफ से हमारे यहाँ किसी प्रकार का हमको मदद करने से मना कर दिया, रात्रि को करीबन 9 बजे कलेक्टर महोदय के बंगले पे हम लोग गए, वहाँ हमको SDM साहब ने आश्वासन दिया, और उसी के चलते फिर SDM साहब अभी यहाँ पर आए, तो उनको सारी हमको जानी